अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5, 10, 20 आर एंड दिस आर द ऑप्शन। हमें इस तरह का डेटा दिया हुआ है 5, 10, 20 और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन पूछा है। तो इस तरह का जब आपको डेटा दिया जाएगा तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या रहता है, समीशन एक्स आई अपॉन एन। तो इन सब की एडिशन करो, 5 + 10 हमारा 15 होता है और 15 + 20 35 और 35 अपॉन एन कितना है, 3 है। हमारा अरिथमेटिक मीन हुआ 35/3। हमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन ही पूछा था, तो इन तीन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसमें से हमारा एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 तो क्या हुआ, कैंसल हो गया। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई। एन हमारे पास में 3 है और एक्स आई का हमने प्रोडक्ट लिया यानी 5 × 10 × 20। अगर इसे हम सॉल्व करते तो क्या बनेगा हमारा, 3 और इसमें क्या रहेगा, 1000। क्यूब रूट ऑफ 1000 कितना होता है आपका, 10 होता है। तो ये 10 देखो जो हमें ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया था और तीन ऑप्शन में से हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 अभी भी होने के चांसेस है। अब लास्टली हम देखेंगे हार्मोनिक मीन क्या होता है। जो हमें लास्ट में पूछा गया था ना हार्मोनिक मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 1/x1 + 1/x2 + 1/x3। तो एन कितना है, एन तो आपके पास में 3 है, अपॉन में 1/5x1 + 1/10 + 1/20। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 एज इट इज हमने लिख लिया, अपॉन में एलसीएम 20 ले। अब देखो 5 × 4 कितना होगा, 20, 10 × 2 = 20 और ये 20 × 1 = 20, ठीक है। तो अब क्या करें, ये 20 को ऊपर में अगर कभी लेंगे तो 3 × 20 होता है 60 अपॉन, इसकी एडिशन करो 4 + 2 + 1 = 7। तो हमारा हार्मोनिक मीन कितना हुआ, 60/7। देखो अरिथमेटिक मीन कितना है, 35/3, ओके ये तो मिलता है हमें। उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन है 10, क्योंकि हमें पहले उसने अरिथमेटिक मीन पूछा, फिर ज्योमेट्रिक मीन पूछा और फिर लास्ट में हार्मोनिक मीन पूछता है 60/7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है ना ये करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए।